एक एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। मैं बता रहा हूँ आप, एक एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। अगर बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को हक है कि वो हिंसा करे हमारे देश में। उन्हें प्रॉपर तरीके से जेल के अंदर तक घुसाड़ेंगे और उनको सजा भी दिलवाएंगे। कोई गुंडा नहीं है, सबकी गुंडागर्दी निकाल देंगे। इलेक्शन जीते हो, तमीज में रहो। जय हिंद जय भारत। में रेबल सदानंद पति। दोस्तों, आज की बात कुछ अलग है और इसीलिए आप लोगों के बीच अभी आना पड़ा। अभी दवाई डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे हम लोग, लेकिन आज एक बात है जो बहुत जरूरी है करने के लिए। बंगाल में ममता जी को सबसे पहले एक बात बोलूंगा कि इलेक्शन जीता है, बहुत अच्छी बात है। अपने नेताओं को इमीडिएट एक इंस्ट्रक्शन दीजिए। बंगाल में कई जगह वायलेंस हो रही है, कई जगह हिंसा हो रही है, कई जगह, बहुत जगह से रिपोर्ट आई है, बहुत जगह से रिपोर्ट आई है। काफी लोगों की हत्याएं हुई हैं पोस्ट इलेक्शन के बाद। इलेक्शन जीतना, इलेक्शन लड़ना एक बेहद अलग चीज है, लेकिन किसी की हत्या करना, उनके परिवार के आगे किसी की दुकानों को लूटना, किसी के घरों में बढ़ना और किसी को भय दिखाना, ये नहीं चलेगा। ये किसी का नहीं चलेगा। हम रेबल है, सीधी सीधी बात है, ये नहीं चलेगा। बंगाल की एक संस्कृति है, धरोहर है। और इस वक्त बंगाल में जो खबरें आ रही है, बंगाल वायलेंस को लेकर, हिंसा को लेकर, इलेक्शन में अगर जीता है कोई भी कैंडिडेट या उनके लोग, जो भी इसमें हो रहा है, हमारे पास फुटेज आ रहे हैं। एक एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। मैं बता रहा हूं आपको, एक एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। अगर मेरे पास इस वीडियो से सबसे पहले, मैं आग्रह करूंगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर 8880927 47, इस नंबर पे बंगाल में कहीं भी हिंसा हो रही है और जो भी कर रहा है, उसके वीडियोस, फोटोज, अगर जो डिटेल हमें भेजिए, मैं आपको यकीन दिला तो हम लोग बागी हैं। अगर हमने इलेक्शन में बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को हक है कि वो हिंसा करे हमारे देश में। किसी की बर्दाश्त नहीं चलेगी, ना कोई हिंसा करेगा। और जो हिंसा कर रहा है, मैं आप लोगों से वादा करता हूं, उन्हें प्रॉपर तरीके से जेल के अंदर तक घुसाड़ेंगे और उनको सजा भी दिलवाएंगे। मजाक नहीं है। इलेक्शन जीतना, इलेक्शन लड़ना एक प्रजातंत्र का, डेमोक्रेसी का एक पार्ट है, आपका अधिकार है। लेकिन कोई ये सोचे कि मैं जीत गया हूं और किसी को लगे कि आप बहुमत में आ गए हैं और उसके बाद आप किसी के साथ अत्याचार करोगे, ममता बनर्जी जी, सबसे पहले आपसे इमीडिएट, ये इमीडिएट एक इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। आप अपने संसदीय क्षेत्र में जहां जहां की घटना है, तुरंत खबर लीजिए। रेबल टीम के पास खबरें आ रही है, हम आपके पास भेजेंगे और जरूरत पड़ी तो हम हर तरह से हर जगह जाएंगे। मैं आपको बता देता हूं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बैड गवर्नेंस के खिलाफ है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो। सीधी बात आपको बताऊंगा, इस वक्त बंगाल के कई कोने से हिंसा की कई घटनाएं आई है। मैं केंद्र की सरकार को एक बात बोलूंगा, इलेक्शन जीतना हारना, मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री है, मेरे भी प्रधानमंत्री है, हमारा विरोध हो सकता है, हमारा मतभेद हो सकता है, हमारा मनभेद नहीं है, हमारे मतों में डिसीजन में फर्क है। हम पॉलिसीज के खिलाफ, हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, और हिंसा के और गाली गलौज के हम सख्त खिलाफ है। मैंने आज तक अपने किसी वीडियो में कभी भी, जिन्होंने मुझे पसंद नहीं भी किया हो, उनको कभी भी मैंने गाली गलौच नहीं किया है आज तक, और ना मैं कभी करूंगा। और ये वीडियो बंगाल में बढ़ती हुई हिंसा की घटना के ऊपर है। पिछले 24 घंटे में लगातार हिंसा की बहुत रिपोर्ट आई है। कोई ये ना समझे कि कोई जीत का जश्न में किसी को चोट पहुंचाएगा। एक भी संसदीय क्षेत्र में अगर मेरे पास बहुत सारे खबरें आई है कि टीएमसी के गुंडों ने किया, मैं इस वीडियो में साफ कर देना चाहूंगा, कोई गुंडा नहीं है, सबकी गुंडागर्दी निकाल देंगे और अच्छे से निकालेंगे गुंडागर्दी। इलेक्शन जीते हो, तमीज में रहो। इलेक्शन जीतो, अच्छा काम करो, जनता के लिए काम करो, बैड गवर्नेंस के खिलाफ काम करो। अगर कोई ये सोचता है कि किसी के मोहल्ले में जाके किसी को परेशान करोगे, आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, दुश्मन कोई नहीं है, सब भारतीय भाई बहन है। बागी फाउंडेशन में, रेबल फाउंडेशन में इस चीज के लिए कोई जगह नहीं है, मैं बता रहा हूं। और एक बात और बता रहा हूं, जो चढ़ा सकता है ना, वो 2 मिनट में नीचे भी गिरा सकता है, ये भूलना मत आप लोग। अगर कोई भी कर्मचारी किसी भी पार्टी का, चाहे वो टीएमसी का ही क्यों ना हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस का ही क्यों ना हो, अगर आप में से किसी का भी वीडियो फुटेज आ गया ना, कसम से आपको आपके घर से निकाल के जेल तक ले जाऊंगा। और वो दिन दूर नहीं, कल तक मेरे पे जो भी एविडेंस आएगा, एक्शन दिखा दूंगा। मजाक है, आप किसी के साथ उसकी दुकान जला रहे हो, घर जला रहे हो, हत्याएं कर रहे हो, क्या है भाई, जाहिल हो, जानवर हो आप लोग, वैसी हो आप। पूरा देश कोरोना से किस तरह से लड़ रहा है, लोगों के परिवार वाले अपने जान से जा रहे हैं, आप बंगाल में क्या
क्या चल रही है? गवर्नर साहब, एक सीधी सीधी बात बोलूंगा, इलेक्शन कराना आपकी जिम्मेदारी थी, इलेक्शन कमीशन की थी, आप लोगों ने कराया। इस बार सबने देखा कि बहुमत से आई है टीएमसी, हम वोट का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई भी असम्मानित व्यवहार करेगा, कोई भी किसी के आजबूर पे, इज्जत पर, किसी के दुकान पे हाथ डालेगा, एक एक को घसीट के जेल में डालेंगे। दोस्तों, एक बात बता देना चाहूंगा, हम रेबल हैं, हम किसी पार्टी के सगे नहीं है। अगर कल को टीएमसी में भी कोई कमी होगा ना, आप बताइएगा। जिन लोगों का मैंने काम, हम लोगों ने कैंपेन किया है ना 59 सीट पे, उनको हमने बता दिया है कि तुम्हारे इलाके का एक भी प्रॉब्लम दिख गया ना, तुम्हारी बजा डालेंगे। और हम करेंगे, क्योंकि देश को साफ करना है। और एक भी क्रिमिनल के लिए मैंने कैंपेन नहीं किया, ये मैं बता दूं पहले। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में मेरे को लिख रहे हैं कि बंगाल के बारे में दादा आप कुछ बोलिए। अरे जरूर बोलूंगा, और एक बात और बता रहा हूं, कड़े शब्दों में निंदा नहीं करूंगा, केवल इन्हें जेल तक पहुंचाऊंगा, चाहे कांग्रेस को, चाहे भाजपा को, चाहे टीएमसी को, जिन्होंने लोगों के ऊपर अटैक किया है, इनके ऊपर कल से रिपोर्टिंग शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, इसीलिए आपके बीच आ चुका हूं दोस्तों। अरे हम तो आए थे बंगाल से कि यहां मेडिसिन बांटेंगे, कोई गलतफहमी ना पाले, ममता जी, अभिषेक बैनर्जी जी, फिराद हकीम साहब, आप शहरी मंत्री हैं और आप मेयर भी हैं कलकत्ता के, बेहतर है आंख कान खोल लीजिएगा, बेहतर है आंख कान खोल लीजिएगा साहब, पहले बता रहा हूं। अगर टीएमसी के लोग पाए गए ना, तो याद रखिएगा, हत्या का मुकदमा दर्ज कराएंगे हम लोग, हत्या का मुकदमा। किसी को अधिकार नहीं है कि इलेक्शन में जीत गए तो किसी के साथ अत्याचार करोगे। अरे जानवर है क्या हम लोग? जानवर है? हमें कोई संस्कार नहीं मिले, परवरिश नहीं है क्या? पूरा देश गरीबी में से गुजर रहा है, किस हालात में देश गुजर रहा है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, और इस तरह की हरकत है। टीएमसी के तमाम नेता तुरंत एक्शन में आए, तुरंत। और एक बात मैं बता देता हूं, जिस भी नेता के, अगर किसी नेता के कहने और इशारे पे हुआ है, जहां जहां आप इलेक्शन जीते हैं, और अगर किसी को टारगेट किया है, कसम से एक नेता को नहीं छोड़ूंगा, चाहे टीएमसी का क्यों ना हो, ममता बनर्जी को भी भूल जाऊंगा। दोस्तों, रेबल हूं, किसी के सगे नहीं है, देश मेरे लिए सबसे ऊपर है, राष्ट्र मेरे लिए सबसे ऊपर है। मेरे देश का कोई भी आदमी हो, कोई मुझे पसंद करे ना करे, कोई उसको भी अगर तकलीफ देगा तो लड़ेंगे। मैं रेबल सदानंद पति रेबल फाउंडेशन से, व्हाट्सएप नंबर 8880092747, आप लोग मेरे पे इस पे वीडियो और फोटोज भेजिए, जिन्होंने भी हिंसा किया है, मर्डर का मुकदमा दर्ज कराऊंगा, मर्डर का, और जेल में घुसेड़ूंगा, चाहे इनका बाप दादा कोई क्यों ना हो। अगर कोई ये सोचता हो ना कि मैं टीएमसी का बहुत बड़ा नेता हूं, अगर कोई ये सोचता है तो, और अगर हमें ये पक्का सबूत मिल गया, तो आप जान लीजिए आपके पूरे दिन के आज से शुरुआत हो गई, आज से हो गई। और जिन 59 सीटों में हम लोग रहे हैं, उन लोगों की हिम्मत नहीं है इस तरह की कोई काम करने की, औकात नहीं है। ये भी बता दूं, अगर वोट से जिता सकते हैं ना, इकट्ठे मुकदमे दर्ज कराऊंगा, जेनोसाइड का मुकदमा दर्ज कराऊंगा। मैं केंद्र की सरकार को, राज्य पुलिस से, और तमाम जो सुरक्षा बल है, सबसे का आग्रह करूंगा, जो भी कसूरवार है, हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, उठा के जेल में डालो, और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बंगाल की संस्कृति नहीं है ये हमारा धरोहर नहीं है, कोई बंगाल को बदनाम करने का ना सोचे। मैं बता देता हूं, वो जमाना गया, अत्याचार नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे, मैं बता रहा हूं जी। और आपको एक बात समझना होगा कि अगर किसी का भी सबूत मिल गया, तो आप जान लीजिएगा, उसको जेल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रेबल की है। मैं भेजूंगा जेल, और अभी निकलूंगा बंगाल के लिए। आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 8880092747 पे रिकॉर्ड भेजिए, फोटो भेजिए, अगर किसी ने किसी को मारा है, और अगर वो किसी दल का हो, चाहे ना, भेज के तो देखिए, उस थाने की मैं ऐसी तैसी कर दूंगा अगर वो मुकदमा दर्ज ना करे तो। गारंटी है, गारंटी है, ये रेबल का वादा है आपसे। दोस्तों, जल्द से जल्द मेरे को वीडियोस और फोटोज भेजिए, आपको तुरंत एक्शन दिखेगा, ये रेबल का वादा आपसे। जय हिंद, जय भारत।